अगर बहुत गहरे में देखे तो इसका ये मतलब होता नहीं, लेकिन हम लोगों ने इमेज बना ली। गधा, गधा का वो अर्थ होता नहीं है जो आप लोगों ने इमेज बनाई। गाली लगती है, गधा का मतलब, गधा तो कोई शब्द ही नहीं है, अच्छी तरह बात समझ रहे हैं। गधा तो एक बड़ी बात को कहने की शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कोई नाम बड़ा हो पहला पहला अक्षर लिख दे, के वर्मा, मतलब कृष्ण कुमार वर्मा, आर के स्वीट्स ऐसे लिखा रहता है। धीरे धीरे ये जो एब्रीवेशन है एक अक्षर भी बन जाता है, ऐसे बहुत से शब्द है, जैसे इस्कॉन है, इस्कॉन शब्द नहीं है, ये आई एस सी ओ इंटरनेशनल, आई से मतलब इंटरनेशनल, सी से मतलब कॉन्शियसनेस, ये इस ढंग से बनाया हुआ है। अब धीरे धीरे इतना लंबा कौन बोले, पहला पहला अक्षर लेके उसका एक शब्द बन जाए, उसके बाद उसकी एक धारणा है। स्याही, स्याही का मतलब तो काला होता है, स्याह, ये आदमी काला स्याह है, ऐसे लिखने के भी काम आती है। हमारे दिमाग में ये ज्यादा इमेज बैठ गया और जो भी लिखने के काम आ रही है हम उसको स्याही बोले जा रहे हैं। दुकानदार को बोलते हैं लाल स्याही की दवा देना, अब तुम्हारा मतलब स्याही से कोई रंग नहीं है जो लिखने के काम आ रहे, ये इमेज बन गई है। एक्चुअली गधा से मतलब गलत धारणा से भरा व्यक्ति, लंबी बात ना कह के जो भी गलत धारणा से भरा हुआ है, रॉन्ग कंसेप्ट बोलते हैं। लगभग बड़ों की नजर में छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, वो उसको टोकते हैं इस शब्द से। अब इमेज गधे के मामले में दूसरे वाला डंकी लगता है जैसे गाली है, हम सीधा सीधा कहते हैं तुम्हारी ये गलत धारणा है, इसको बदलो, ये नहीं बुरा लगता। किसी को ये कहते राम जी का नाम सच्चा होता है, ऐसे करके बोलते तो बुरा नहीं लगता, राम नाम सत्य है ऐसा लगता है, बस जैसे अपशगुनी हो गए। अब आप लोग इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, पूरा लिटरेचर बदल डाला इन बातों ने। व्यास शब्द बहुत ध्यान से समझ, व्यास का वैसे मतलब विस्तार अर्थ में होता है, कुछ बातें बहुत बड़ी हम छोटे रूप में बोलते हैं उसको सूत्रवत बोलते हैं, छोटा करके बोलते हैं। जैसे माँ बच्चे को बोल देते बेटा स्कूल जा, स्कूल जाएगा तो डॉक्टर बनेगा, अभी बहुत बड़ी बात छोटे में कही है और बच्चा उसका इतना ही अर्थ लगा ले कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, वो उसकी सोच गलत है। पढ़ना भी होता है, 20-25 साल लगते हैं, सिलेबस होता है उसका अलग से सिलेबस है, आर्ट का अलग से सिलेबस है, इंजीनियरिंग का अलग से सिलेबस है, उसने बहुत बड़ी बात को छोटे में कहा। ऐसे कई बार छोटी बात को विस्तार से व्यास भगवान जी को हम कहते हैं, इन्होंने भी वेदों का विस्तार किया, इनका नाम वेद व्यास हो गया, ये नाम बन गए। अब धीरे धीरे ये बातें जो है ना चुप होती गई, तुम्हारे यहां जो कथा कर ले उसको क्या बोलते हैं, कथा व्यास, जो मंच पे बैठ जाए कुछ बोले तो व्यास। धीरे धीरे ये कास्ट भी बन गई, जाति बन गई, मूल अर्थ समाप्त हो गए। अब आपके दिमाग में अर्थ कम है इमेज ज्यादा है। जब हम कहते हैं व्यास पूजा,
तब व्यास का मतलब एक अवतार भी, एक व्यक्ति नर रूप में भगवान का अवतार है, कल अवतार। लेकिन बहुत गहरे में देखें तो एक व्यक्तित्व भी है, पर्सनैलिटी भी है। अलग से जीना है, अलग से रहना है, हम लोगों की तरह में जीना खाना है, एक अलग ढंग का जीवन है। जिनके पास ज्ञान होता है उनका जीवन जीने का ढंग भी अलग होता है। तुम लोग अकेले में बोर होते हो, उनको अकेले में आनंद आता है। हमारे बोलते हैं व्यास ऋषि भी है, मुनि भी है। अंत में उन्होंने ये कहा कि व्यास एक चिंतन भी है। व्यास जी का अवतार इसलिए हुआ कि उनके दिमाग में एक दर्द है, पीड़ा है, सोच है कि आने वाले कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो। ऐसा सबके मन में नहीं आता। जैसे हमारे लिए पार्लियामेंट सेशन बैठता है, हंगामा करने के लिए नहीं, वास्तव में तो इसलिए बैठता है कि विचार करें। अलग अलग जगह के एमपी हैं, उनको उस इलाके की समस्याओं का पता है, तो यहाँ मिल बैठ के सब अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखें और मिल बैठ के उसका समाधान निकालें और उस भाव से कोई कानून बनाएं या कानून बदलें अगर लोग दुखी हैं। इस ढंग से हमारे एक चिंतन पद्धति थी कि नैमिषारण्य के अंदर में ऋषि लोग एकत्र होकर विचार, उसी विचार का अगला नाम है पुराण। आप कोई भी पुराण पढ़ेंगे उसका शुभारंभ यहाँ से होता है। एक बार नैमिषारण्य के अंदर में संत महापुरुष इकट्ठे हुए, ऋषियों ने कहा, शौनक आदि ऋषियों ने, हे गुरुदेव, आने वाले कलयुग के जीव ऐसे ऐसे होंगे, आसुरी स्वभाव के होंगे, गुरुदेव आप कृपा करो, अगर लोगों का स्वभाव ही आसुरी होगा तो व्यवहार तो राक्षसी होएगा। जिसका स्वभाव मीठा है उसका व्यवहार भी सरस होता है, जिसका स्वभाव ही आसुरी होगा उसका व्यवहार छीना झपटी वाला होगा, चाहे वो पार्लियामेंट में करे, चाहे उनको मंदिर के प्रधान बना दे, वो बिना छीना झपटी के रह नहीं सकते। नकली मेंबर बनाएंगे अपने होते होते, चुनाव जब होगा तो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे क्योंकि सारे मेंबर ही उनके होते हैं। ऐसी ऐसी कोई ना कोई छल कपट वाले करते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता ये मंदिर के प्रधान है या क्लब के प्रधान है, अगर स्वभाव आसुरी। तब शौनक आदि ऋषियों ने सोचा, ऋषियों की एक सोच है जिस सोच का अगला उद्देश्य है लोक मंगल कैसे, लोगों का कल्याण कैसे। अब आप लोग व्यास पूजा इस ढंग से मनाते हैं, एक परंपरा बनी है, एक इमेज बना हुआ है कि व्यास पूजा का मतलब नारियल लेना है, फ्रूट लेना है, महाराज जी के आगे रख देना है और जाते समय में कह देना महाराज जी मेरे वाला प्रसाद भी मुझे दे दो, तो बहू आई है इसकी गोदी में डाल दो, ऐसे एक परंपरा बनी हुई है और आप बनाए जा रहे हैं। अभी तक समझ में नहीं आता कि इसका हुआ क्या और होगा क्या। आप अर्थ की तरफ अगर जाएंगे तो कुछ और भाव बनेगा। जो आपने इमेज बना रखा है वो परंपरा से एक लंबी परंपरा है, एक मन में इमेज बना हुआ। हमने ऐसे बहुत सी स्थितियां देखी, एक हमारा इमेज बना पड़ा, बस धारणाएं बनी पड़ी, वो धारणा चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। हमने एक एक व्रत में 75 धारणाएं देखी। बहू कहती है हमारी तरफ ऐसा नहीं होता, हमारी सास तो कहती थी ऐसे करना है। अब एक सास पुराण अलग से भी है, ब्राह्मण कुछ कहेंगे, लेकिन बहू कहेंगे हमारी तरफ का एक अलग से पुराण है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारी तरफ,
और एक के घर में अगर तीन बहु है तो तीन वर्ष है हमारी तरफ खिचड़ी तो होनी है। गलत धारणा, गलत धारणा कह दे तो अच्छी बात है, अगला शब्द बोलते हैं तो इमेज बड़ा खराब बना। रामायण जी में ऐसा प्रसंग है जब विभीषण के ऊपर रावण ने मुकदमा चला दिया देशद्रोह, सजा बड़ी खतरनाक है देशद्रोह की। हनुमान जी के पास आए, बोले आपकी वजह से रावण ने मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, कारण तो कारण भी तो होंगे ना, जैसे वकील पूछते हैं। बोले हम तीन कारण बताएं, क्या? बोले एक तो दुश्मन के आदमी को तैने शरण दी, मेरे राज्य में मेरे दुश्मन को जो शरण दे देशद्रोही नहीं। हमारे यहाँ तो कई एरिया में घर घर में जो सूच बैठे अपन कुछ बोल भी नहीं सकते। दूसरी बात, बोले दूसरी बात तो बाद में करो, पहले ये बताओ सबूत क्या है शरण दिए थे? बोले फिंगरप्रिंट पाए गए, बंदर के पांव के निशान, वानर के पांव के निशान पाए गए। दूसरा कारण क्या बताया शरण देने का? बोले दूसरा कारण ये बताया कि सारी लंका जली, तेरा घर बच गया क्यों? उसने सारी लंका को जलाया, इसका सीधा सा मतलब तेरी उसकी मिली भगत है। तीसरा कारण, बोले इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? तेरे घर के बाहर में राम राम लिखा हुआ, राम जी के आयुधों के चिन्ह बने हुए, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद। हनुमान जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि लंका निश्चर निकर निवासा, पर यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मेरी तो मौत अब निश्चित, हनुमान जी ने तो कोई खतरा क्यों? बोले उसको जाके बोलना अगर पांव के निशान से ही किसी के देशद्रोह का मुकदमा बनता है दुश्मन के हिसाब से, तो बोले मैंने सिर्फ तेरे घर में मैं आके नहीं रुका, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां तक अगणित योद्धा, गयो दशानन मंदिर माई। मैं तो रावण के भी महल में गया, अगर चेक करेंगे तो फिंगरप्रिंट तो मेरे वहां भी पैरों की उंगलियों के निशान मिल जाए, फिर तो रावण पे भी देशद्रोह का मुकदमा। हाँ बोले मैं ये बोलूंगा। बोला तो रावण डर भी गया कि अगर फिंगरप्रिंट ही सबूत है वो तो फिर इधर भी आया, सारी लंका जलाई, तेरा घर को भी जला। बोले बोल देना किसी फर्म में जो पार्टनर होता है तो घाटा भी उसको भुगतना पड़ता है नफा भी, और कोई पार्टनर ही नहीं है तो ना वो घाटे में ना मुनाफे में। हाँ बोले जब सारी लंका को जलाया उससे पहले पूंछ को आग लगाई गई थी तो सारे नगर से तेल घी आया लेकिन विभीषण के घर से नहीं आया। अब ये लंका जलाने वाले प्रोग्राम में मैं था ही नहीं, तो ना मैं अच्छे में ना मुझे लंका का कोई दूसरा सुख है ना ये नुकसान। मुझे बोले इससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ ना फायदा था मेरे को। बोले ये जो राम राम लिखा है, बोले इसमें दो बातें हैं, राम जी कौन है एक इमेज है, रावण के दिमाग में इमेज बना हुआ है राम राम लिखे हुए का कि राम दशरथ नंदन वही पुत्र है जो आए, राम का मतलब हो रहा है तो तूने उसके इमेज को धोना है,
कि हनुमान जी की कला देखा ना थोड़ी सी। आप लोग तो हनुमान जी को ऐसे लेके चलते हो बस, लाल धागा, रात को मेरा मुंडा डलता है तो महाराज जी हनुमान चालीसा पढ़ो, बस हनुमान जी की बुद्धि देखो, इनकी प्रतिभिज्ञा देखो, आदमी को पहचाना कैसे जाता है वो विद्या देखो, पहचान के उसके अनुरूप व्यवहार कैसे करना है हनुमान जी के चरित्र में ये सीखो। हम लोग नहीं सीख, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ भूत पिशाच निकट में आवे और महावीर जब, न तुमने भूतों को देखा ना पिशाच को, हाँ भूत काल का भूत तुम्हारे दिमाग में जरूर घुसा होता है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, एक बार शादी में मिले तो उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने इनके मुंह नहीं देखना, इनके घर का पानी नहीं पीना, कि पुरानी बातों का भूतकाल का भूत जो जरूर दिखा, और आगे का मतलब पिशाच भविष्य। अब यूं किसने देखा, हम लोग मानते हैं परमात्मा की सृष्टि है, ग्रंथों में चर्चा है, ऋषि मुनियों के अनुभव है, लेकिन इतना डरे पड़े हैं जिसको हम लोग जानते ही नहीं उसके नाम पर भी, कैसी स्थिति है हम लोग। हनुमान विभीषण को बोले राम का एक एब्रिवेशन का भी मीनिंग बनेगा, क्या बोले रावण पूछे ना तेने राम राम लिखा, तो उसके दिमाग में राम राम का मतलब है दशरथ नंदन, राम राम का एक मतलब ये भी होता है जो सब जगह रमा हुआ है वो राम। कुल गुरु वशिष्ठ ने इसी बेस पे नाम रखा था, जो सब जगह रमा हुआ है, जो आनंद सिद्धु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक उपासी, सो अस राम नाम अस नामा, इस आधार पर भी राम नाम है। अब उसके दिमाग में इमेज है राम के बारे में वो राम, तो राम के बहुत अर्थ है, और एक और भी अर्थ है एब्रिवेशन के बेस पे कहना, मैंने तो तुम्हारा नाम रखा हुआ है वहां भवन के बाहर लिखा हुआ है, पूरा नाम लिखो ना रावण मंदोदरी, ये तो बहुत लंबा है दीवार खराब लगती है, तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा रा फॉर रावण और मा फॉर रावण, खुश हो जाएगा मजा आ जाए मुकदमा चलाई। एब्रीवेशन हम जो आपको बताना चाहते हैं, आपके दिमाग में व्यास एक मुनि, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यास जी एक अवतार, व्यास जी जो है वो एक अवतार है, ज्ञान कला अवतार है। जब हम किसी को ऋषि रूप में लेते हैं तो खाली उनके कपड़ों को देख के नहीं लेते, उनकी जटाओं को देख के नहीं लेते, इसको आप लोगों के दिमाग में ऐसे ही है, कोई गेरू कपड़े में हो जटाएं, आपको लगता है कोई ऋषि, कि आपको ऐसे लगता है। हमारे यहाँ बोलते हैं ऋषि मुनि, एक ऐसी सोच है, एक ऐसी पीड़ा है, दर्द है, वो सबका मंगल देखना चाहते हैं। तुम लोग अच्छे ऋषि की भावना देखते हो जिनके बड़े बड़े आश्रम है, मठ है, खूब पैसा है, वो बड़े महात्मा। हमारे ऋषि मुनि का मतलब था जो मननशील, मनन करते हो, चिंतन करते हो कि आने वाली पीढ़ी का कल्याण कैसे हो, मंगल कैसे हो, मंगल की शर्तें क्या है, बोले शरीर स्वस्थ होना चाहिए पहली बात, मन और भावनाएं उनकी अच्छी होनी चाहिए, बुद्धि उनकी विवेकी होनी चाहिए,
स्वस्थ शब्द का मतलब यह नहीं था खाली शरीर से तंदुरुस्त, पारिवारिक दृष्टि से अच्छा होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से अच्छा होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से भी अच्छा होना चाहिए और परमात्मा में उसकी निष्ठा भी। एक मंगल में जब भाव बनाते तो हमारे प्राचीन ऋषि जितने भी हुए वो नैमिषारण्य में एकत्र होते, जैसे आजकल पार्लियामेंट का सेशन विचार किया जाता है, ऐसे वहां भी प्रातःकालीन सत्र में सब अपने अपने यज्ञ आदि करते, सायंकालीन सत्र में बैठ के विचार करते कि आने वाले समय में लोगों का कल्याण कैसे हो। फिर पहला प्रश्न उठता कि हम ऐसे तो नहीं दवाई देते हैं बिना सोचे, पहले पता तो चले लोग कैसे होंगे। तो शौनक आदि ऋषि ने कहा कि ये घोरे कलो प्राया जीवाश्चा सुरागता, अब जो कलयुग आ रहा है इसमें आयु बड़ी कम होगी, बुद्धि मंद होगी, स्वभाव आश्रय होगा, और आगे आप समझ ही जाओ जब स्वभाव आश्रय होगा तो व्यवहार छीना जपने वाला हो गया होगा। लोग एक दूसरे को मार काट में लाएंगे, दुखी करेंगे, जिसकी लाठी उसी की बहन, ऐसे चलना है, ऐसे में कैसे बदलाट है। सूजी ने कहा मेरे गुरुदेव कहते हैं व्यास जी अगर हम किसी का स्वभाव न बदल सके उसका व्यवहार नहीं बदल पाएंगे। ये ऋषि चिंतन है, तुम्हारे व्यवहार के ऊपर बैन लगाते हैं, इनकम टैक्स वाले खड़े कर देंगे, अंदर से उनका चोरी करने को मन होता है फिर वो नए तरीके निकालते मिलजुल के, वो भी न पकड़ सके, छीना झपटी वालों को सजा देते, स्वभाव नहीं बदलते, स्वभाव उल्टा बिगाड़ रहे, गंदी फिल्में दिखा दिखा के, मोबाइल पे फिल्में आ रही हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, अब तो पक्का ही हो गया जब ऑनलाइन पढ़ना तो नेट पे चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा तो खाली आंखें थोड़ी खराब होंगी, चरित्र भी खराब होगा, वो तो उंगली कहीं भी घुमा सकते हैं। ये ऋषि चिंतन अगर हम कल्याण चाहते हैं तो तुम्हारे नेताओं की सोच ये है कि अगर हम समाज को सुविधाएं दे दें तो समाज सुखी होगा, ऋषियों का चिंतन ये है कि सुविधाएं दो लेकिन सुविधाओं के साथ में सद्गुण भी दो, सद्व्यवहार भी दो, अगर ये नहीं दिया सिर्फ सुविधाएं दे दिया तो लोग आलसी हो जाएंगे, विलासी हो जाएंगे, तुम्हारे तो चले ही जाएंगे, बिजली का बिल माफ, पानी का बिल माफ, ये सारी चीजें माफ करते जाओ तो बच्चे पैसे को उन्होंने क्लबों में यूज कर, वोट तो मिल गए लेकिन लोग कैसे हो जाएंगे। राम जी कह रहे वाल्मीकि रामायण में भगवान ऋषि अगस्त को कि मुझे हनुमान जी की कथा सुनाओ जिसमें हनुमान जी के सद्गुणों का वर्णन हो, मैंने अपनी प्रजा को सुविधाएं तो सारी दे दी लेकिन सद्गुण नहीं दिए, अगर सद्गुण नहीं दिए तो ये सुविधाएं प्रजा को भोग विलासी बना दे। ये ऋषि चिंतन है, जब हम कहें भगवान व्यास रूप में आ रहे तो तुम्हें एक व्यास को मननशील व्यक्तित्व के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसा चिंतन जिसके दिमाग में ये दर्द हो पीड़ा हो कि आने वाले समाज के दुखों को कैसे दूर करें, और अगर दूर करना है और उनके दुखी होने का कारण उनका स्वभाव है तो बिना स्वभाव को ठीक किए तो बात नहीं बने। आज भी हमारे ये समस्या है, हम ऊपर से बैन लगाते हैं ऐसा नहीं करना, तो अगले की आदत है तो चोरी छिपे कर ले, अब छोटे बच्चे को कह दो मीठी नहीं खानी, दीवार के पीछे खड़ा होकर खाने का दरवाजे के पीछे,
सीधा हाथ नहीं लगाएगा तो सीधा जीभ से चाट जाएगा। कैसे करोगे? हम लोग अपनी तरफ से बहुत अच्छे करते हैं, महाराज जी बच्चों को बड़ा समझाते हैं, आप भी सब हम तो बोल देते हैं, हम इस थ्योरी को मानते ही नहीं। स्वभाव, स्वभाव कैसे बदला जाए? व्यास जी का जब ऋषि मुनियों के बीच में संवाद होता है तो बोले जब तक बुद्धि को विवेक नहीं दिया जाएगा, हृदय के अंदर में सात्विक भक्ति नहीं आएगी। तुम्हारे यहाँ भक्ति तो चलती है लेकिन रजोगुणी टाइप की, नाचना गाना, फिल्मी टाइप की कवालियां, थोड़ा सा उसमें बदलाव कर देते हैं। कवाली तो असल में दूसरी होती है, कुछ और शब्द ना लगा के कोई अपने अपने हिसाब से लगा देते हैं, कोई माता रानी के हिसाब से, कोई ठाकुर जी के हिसाब से। वो चल रहा है आजकल, भोंडे नाच चल रहे हैं, गंदे मंदे, हमें लगता है हम पुण्य कर रहे हैं, कर रहे होते हैं पाप। कीचड़ और कमल दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों में फर्क समझ में नहीं आता। कीचड़ में हाथ डलते ही हाथ मैला हो जाता है, और कमल के पास जाए तो सुगंधि से दिमाग प्रसन्न हो जाता है। ये तो फर्क क्लियर है। जिसको तुम प्रेम कहते हो, हमारे ऋषि बोलते हैं कलयुग के लोग प्रेम के नाम पे वासना से भरे हुए, प्रेम की कोई जात पात नहीं होती, ऐसे सोच के आजकल के छोरे जो है ना शादी कर क्या जाते, ये प्रेम में नहीं डूबे होते, वासना में डूबे होते। ये बाद के दिन बता देते हैं जब झटके लगते हैं दोनों। प्रेम ऐसा नहीं होता शर्तों के साथ, प्रेम कभी कंडीशनल नहीं होता। शर्तें रख रख के तो व्यापार है, तुम्हारे यहाँ तो शादियों में भी शर्तें सारी बातें हो जाती हैं तय, फिर बोलते हैं बच्चों को अलग थोड़ा बिठा दो, इन्होंने कोई बात करनी हो फिर वो यदि करके लगाते हैं, तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा ऐसे रहना, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम हमेशा अनकंडीशनल होता है, प्रेम में समर्पण होता है, चाहत नहीं होती कि अगर तुमने मेरे लिए ऐसे नहीं किया तो तुम अपने घर में अपने घर, तुम मुझे घुमाने नहीं ले गए इसलिए मैं तेरे साथ ही नहीं रहना, हो गया काम। तुम्हारे यहां तो कोई फर्क ही नहीं करते वासना क्या प्रेम क्या। प्रेम और वासना में इतना ही सीधा सीधा फर्क है जैसे कोई कीचड़ में चला जाए और कोई कमल के पास चला जाए। हालांकि कमल भी कीचड़ से है लेकिन कमल का स्वरूप और है और कीचड़ का स्वरूप, ये ऋषि चिंतन है हमारे जो बड़ी गहराई से देखेंगे कि तुम कहां गलती कर रहे हो। तो ऋषियों का चिंतन ये कह रहा है कि अगर हम अपने स्वभाव को नहीं ठीक कर सकते, अपनी सोच को नहीं ठीक कर सकते, तो आपके पास कितनी भी सुविधाएं हो, चाहे हर हफ्ते में मलेशिया घूमने चले जाओ, यानी लेह लद्दाख घूमने चले जाओ, हमारे पास तो केस है इसलिए हम कह रहे हैं, 8 दिन लेह लद्दाख होके आए और आते रोला पड़ गया, वही मूड खराब हो, कोई छोटी सी बात हो गई इधर उधर की मूड खराब हो गया, हम खुशी खुशी पूछ रहे, वो कहे महाराज जी हम तो 8 दिन ले लगा नरक भोग के, क्यों? बोले महाराज जी मूड खराब है। हमने कहा तुम एंजॉय मूड के बेस पे करते हो या ले लगा? अगर मूड के बेस पे करते हो, मूड खराब है तो ले लगा पे बेकार हो गया। किसने बेवकूफ ने कहा था 2 लाख का टूर बना, मूड तो यहाँ बैठ के को तो एंजॉय पूरी तरह हो सकता, छोटे बच्चे तुम्हारी गोदी में आ जाए मूड ठीक हो,
लाख ले लद्दाख की छुट्टी हो जाएगी। भूल जाते हैं लोग 2 घंटे के लिए, जैसे बच्चा भी लेकिन ना तुम तब भी नहीं समझ रहे मामला मन और कूड का है या ले लद्दाख का। लेकिन एंजॉय करने के लिए जाते हो जम्मू कश्मीर, छुट्टियां भी बिजनेस भी खराब करते हो और वहां जरा सी आपस में तनातनी हुई और सारा मूड और एंजॉय भी खत्म। महापुरुष शुरू से कह रहे हैं कि सुख का केंद्र अंदर है, बाहर नहीं है, वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा। जबकि रोज देखने में आता है अच्छी अच्छी जगह पे जाके भी अगर मन खराब हो गया किसी कारण से अब हम क्या बताएं, शहर का नाम नहीं लेंगे, यहाँ से 100 किलोमीटर है। शादी के बाद गए होंगे पति पत्नी मंसूरी है, पत्नी कहाँ पर गए, आते दिमाग खराब, मैंने कहा क्या हो गया, लड़का बोला कि मैंने सुना था सगाई से पहले इसने मेरे लिए 16 सोमवार की, मतलब मेरे लिए मनोती है मानी। पंडित जी ने बताया होगा मानी, बोले महाराज जी मूड यहाँ से बिगड़ा। तो नहाने के लिए मैं गया बाथरूम में, अंदर टॉवल नहीं था, मैंने जरा सा दरवाजा खोल के जरा टॉवल लाना। ये बातें पढ़े लिखो के जो उनने मेरे को टॉवल तो पकड़ा दिया, साथ में झटका भी दे दिया, आगे से ध्यान रखा करो मेरे को भी देर हो रही है, मुझे भी ऑफिस में जाना है। मेरा तो दिमाग ही टूटे, टॉवल क्या मांगा, 4 बातें। और उसके बाद मुंह खराब करके कौन सी बात है। और उसके बाद हो गया जो नहीं होना चाहिए, घर में बुजुर्ग है नहीं समझाने वाले, सब कंपनियों में कल्ले रहते हैं, बस टिबत बात से आने लगा। माँ बाप के स्वर्गीय बच्चे बड़े सुखी हैं, कुड़ी भी इतना कमाती है, मुंडा भी इतना कमाता है। हमने कहा साधन सुविधाएं अलग बात है, ये जरूरी है शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन आनंद के लिए साधक सुविधाएं नहीं होती हैं। आनंदित रहने के लिए प्रेम हो, स्नेह हो, मैत्री हो, दया का भाव हो, ये वाली चीजें आनंद देती हैं। सुविधाएं तो तुम्हारी जरूरतों में आती हैं, उसका आनंद से मतलब नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता है, जैसे बच्चे को देख के तुम भाव से भर जाते हो, कोई मित्र आया उसको देख के तुम भाव से भर गए, आह्लादित, तो वो लाइन दूसरी है, वो तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे। और हम खुश हैं कि इतने पैकेज बच्चे लेते हैं, अगले बताने भी नहीं कि दोनों का टिफिन बाहर से आ गया। ये ऋषि चिंतन है जो ये कह रहा है कि अगर हमें लोक मंगल देखना है तो हमें केवल शरीर को स्वस्थ नहीं करना, शरीर स्वस्थ के साथ साथ परिवार भी ठीक हो, आपस में संबंध भी ठीक हो, मान मर्यादाएं भी हमारी ठीक हो, आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग संपन्न हो, हमारे अंदर में संवेदनशीलता हो, ये सारी बातें होनी जरूरी है। हमारे तो आजकल मिल कंप्यूटर लेके सवेरे कमरे में घुसे, बहना ये तो नहीं मिलना, हुआ ये तो नहीं मिलना, और बाप ऊपर से कमेंट्स कर रहा, अमेरिका से आया ना मैं से चलता है कल मॉडर्न ऐसा ही है। तो उसकी बहन ने कहा हमको वेले नहीं बैठे, जब इसको गरज होगी भेज देना, मैं मुरादाबाद जा रही हूँ। इन लोगों ने तो पता नहीं क्या सोच लिया कि बाकी सारे वेले क्लब के मेंबर है, जैसे कहीं गलती हो रही है कि सब कुछ होते हुए भी लोग बोलते हैं हमारा मन सुखी नहीं है शांत। तब नानक ने एक बात कही,
कल ताती ठंडा हर नाम। कल युग तो गर्म ही गर्म मिलो, अगर इसमें ठंडक लेनी है तो तुम्हें परमात्मा के नाम की तरफ आना होगा, लेकिन समझना होगा परमात्मा का नाम क्या है। उसके लिए एक ऋषि चिंतन ले, नानक ने क्या है का कहा है, कबीर साहब ने क्या कहा है, हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है, एक उनका चिंतन है हमारे पास। कलयुग तो ऐसे ही, कलहु चोर जना सर्वे, पुराणों में आता है कलयुग में लगभग प्राय सब चोर। अब ये चोर शब्द का समझना पड़ेगा, अधर्मी है, नहीं बड़ा धर्म कर्म करते हैं। बोले आपको मुश्किल से 1% भी नहीं मिलेगा, लाख में एक दो मिलेंगे, वरना तो धार्मिकता के नाम पे भी बिजनेसमैन। आप सिर्फ बाहर की क्रियाएं देखते रहे ना, कल हमने आपको बता दिया था कि एक पाप ऐसा होता है जो दिखता भी पाप है होता भी पाप है, लेकिन आजकल तो ऐसे पाप हो रहे हैं जो दिखते पुण्य हैं होते पाप है, उससे कैसे बचेंगे। हमने घर में आजकल वैसे टीवी में भी आ रहा है, बच्चों को प्रोग्राम देते हैं, 5-4 किस्म की दाल मंगवाते हैं और इस बहाने उनको कलर का पता चल जाता है, क्या क्या कौन सी आपस में मिक्स करनी है वो पता चल जाता है। एक प्रश्न ऐसा भी था कि इसमें से कंकर अलग कर, ऑनलाइन क्लासेस की बात, तो उनकी माता जी ने हमें बताया कि बोले महाराज जी दिक्कत मुझे भी आ गई। क्या? बोले कुछ कंकर तो साफ दिखते हैं, ये दाल है ये कंकर है, लेकिन बोले जो काली माँ होती है नहीं, उसमें कंकर भी वैसा ही होता है और दाल भी वैसे। बड़ा मुश्किल होता है उसका अलग अलग चुनाव करना, वो तो जब तक मुंह में ना आवे ना, और मुंह में आके पता चला तो क्या पता चला, फिर तो पूरी कटोरी ही हमें समाप्त कर दी। ये तो कंकर वाली दाल नहीं अलग कर पाते, धर्म के नाम पे अधर्म है। ये आजकल प्राय मिलेगा, ये पुराणों में ऋषि चिंतन की बात हो रही है। हम लोग इस दिन से पढ़ते थे, हमारे दिमाग में एक इमेज है, जिसने टीका लगा लिया, सिल्की कपड़े पा लिए, बाजा बजाना आ गया, ये व्यास हो गए बस। चिंतन यही है कि इस प्रोग्राम के कितने मिले, अगर प्रॉपर नहीं मिले तो अगली बात है। आपके पास ऋषि की कोई परिभाषा नहीं, मुनि की कोई परिभाषा नहीं। जब हम कहते हैं व्यास पूर्णिमा, मतलब उस दिन व्यास प्रकट हो रहे, मतलब तुम्हें एक नया चिंतन देखने को मिलेगा। पुराण यही रहेंगे, ग्रंथ यही रहेंगे, इनका संशोधन बदले भी जाएंगे, आने वाली पीढ़ी के हिसाब से लिखे जाएंगे, आपको बताया जाएगा। जो काम लाख साल की उम्र में आप लोग जब सफर करते हो, मान लो यहां से मुंबई जा रहे हो, इतनी चिंता रास्ते में नहीं होती, पता चल जाए ना तो बम्बे आने वाला है, 15-20 मिनट पहले से समेटना शुरू कर देते हो, सेटिंग करना शुरू कर देते हो, जो कि उतर में। आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, आप ये नहीं करते, सूर्यास्त होने वाला हो तो जो घर से बाहर निकले पक्षी हैं वो भी घर वापस आने की तैयारी कर रहे होते हैं। ऋषि चिंतन ये कहता है कि कभी आदमी को ख्याल आया कि मैं भी इतनी उम्र में आ चुका हूँ, अब मेरी घर वापसी की तैयारी है, 70-80 साल की उम्र है, मैं अब बिजनेस बढ़ाऊं,
समान और खिलेरु गड्डी में ये खिलरे हुए समान को भी पता चल गया टीटी ने कहा दो चार किलोमीटर रह गया और हम अभी अपनी पोथियां बैग खोल के बैठ गए और तो बम्बे स्टेशन पे क्या होगा? क्या इधर कभी हमने सोचा हमारी चाबियां तो वकील के थ्रू जा रही हैं आज कोई छोड़ने को तैयार नहीं क्या उस सफर में हम लोग नहीं करते मान लो बम्बे से गुड़गांव आ रहे हैं तो पता चल जाए कि गुड़गांव में बस एंट्री होने वाली है लोग तो सामान समून बांध के गेट के पास आ गए उतरते हुए भीड़ न हो अब कोरोना में भी नहीं समझ में आ रहा कि कब किसका क्या हो जाए हम अपने सामान को खेले ले जा रहे पक्षियों को पता है सूर्यास्त का समय हो वापसी की तैयारी कर लो गाड़ी में बैठे बैठे आपको भी ध्यान रहता है कि स्टेशन आने वाला है अब सामान खिलेरने का टाइम नहीं है बल्कि पैक करने का टाइम उतरने का टाइम आ गए क्या ऐसे कभी जिंदगी के सफर में हुआ विवेक की कमी है अचानक झटका लगता है ऋषि चिंतन इस बारे में थोड़ा सावधान कर व्यास जी की इसलिए जरूरत पड़ी अवतार के रूप में कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पे भी सारे आध्यात्मिक या व्यापारी बने सारे मतलब बोल सकते बिल्कुल हो ना ऐसा तो नहीं है लेकिन अधिकांश और ये बहुत बड़ा धोखा हो तब अवतार होते हैं ऐसा पैसे का लोभ आया अब हमने तो एक तो यह जागरण देके उसके बाद तो हमने बंदी कर दिया जाना इतना बढ़िया जागरण हुआ मतलब यही हुआ था मतलब गुड़गांव में बाद में ना एक दो ने ऑब्जेक्शन किया अरे मन्यावे कि इतना बढ़िया तो जागरण हमने देखा ही नहीं पूजा भी बड़े अच्छे ढंग से हुई बोलने वाले भी अच्छे बोले हम भी बोले दो तीन दिनों ने कहा महाराज जी जागरण एक ही जागरण है अरदास तो हो ही नहीं लगा अरदास समझ में नहीं आया वो अरदास वाले महंत जी ने कहा महाराज जी ये वो वाला है ना जिसमें बोलते हैं माता एक दलख बना अगर वो नहीं हुआ एक इमेज बना अगर ये वाला मामला नहीं हुआ तो मानो जागरण नहीं स्वार्थ का भाव लोभ का भाव व्यास जी का मानना है कि ये सारी बातें हमारी धार्मिक प्रवृत्ति को वृत्ति को नष्ट कर डालती हम लोग यूरोपियन कंट्री वालों को बोलते हैं मनी माइंडेड एक दो बार हमारे को किसी ने कहा वहां पर कि हम तो काम के नाम पे पैसा कमाते हैं आपके हिंदुस्तान में तो पूजा के नाम से पैसा कमाते मनी माइंडेड तो वो दीपावली नाम है भगवती के पूजन का लेकिन तुम भगवती के नाम से लक्ष्मी का पूजन करते हो जागरण का मतलब भगवती की आराधना पूजन करना है तुम तो वहां भी एक कैलाश बनाने जाते और यूरोपियन कंट्री वालों को बोलते हो मनी माइंडेड वो तो कहते हो कमा रहे हैं खा रहे हैं कोई धोखा तो नहीं दे रहे बोले धोखा तो वो दे रहे अब हमने खुद देखा है आपके घर में कभी कभी हम जाते हैं जब मंदिर है नीचे जो दराज बनी होती है सब में चार पांच किताबें मिलेंगी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा मतलब दो चार कहानियां जो इसको पढ़ेगा उसके घर में सोना बस से नहीं आप लोग पूजा पाठ के नाम पे भी लक्ष्मी तो उनको बोलते हैं वो मनी माइंडेड वो भी अब सियाने हो गए वो भी पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे कौन से व्रत ऐसे हैं जिसमें तुम्हें लालच नहीं दिया गया नहीं तो रखो ही नहीं
कौन सी ऐसी तीर्थ यात्रा जिसमें लालच नहीं दिया? ये धर्म के नाम पर अधर्म। व्यास जी का मानना है कि अध्यात्म में आए हो तो वास्तव में आओ, और इस वास्तविक अध्यात्म की दो शाखाएं ये समझ लो। आज कुछ कर्म हम अध्यात्म के नाम से इसलिए करते हैं कि हमारे मन की शुद्धि हो, चित्त की शुद्धि हो, और कुछ साधनाएं इसलिए करते हैं कि हमें सत्य की अनुभूति हो। ये दो प्रकार की साधनाएं हैं, चित्त शुद्धि की साधना और भगवत प्राप्ति की साधना। इससे हटके करते हो तो धर्म के नाम पे अधर्म। हम यज्ञ करते हैं उसका उद्देश्य, ऐसा ना सोचना कि हम इसमें गरीब हो जाएंगे। जिस परमात्मा को हम मानते जानते हैं, तो अगर किसी राजा की लड़की के साथ विवाह हो जाए तो दहेज मांगना थोड़ी पड़ता, तो आप ही आ जाओ, और तुम दहेज ही चाहो, लड़की चाहो या नहीं, तो दोनों से छूट। परमात्मा की भक्ति से जुड़ोगे तो साधन संपन्नता अपने आप आएगी, मांगनी नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही आ जाते। लेकिन तुम इसलिए मत करो। व्यास भगवान का मानना है कि आध्यात्मिक मार्ग में दो प्रकार की साधना है, चित्त शुद्धि की साधना, जैसे हम दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त को मलिन करने के लिए नहीं है, ये चित्त की शुद्धि के लिए। उसके बाद जैसे ध्यान का अभ्यास है, भजन का अभ्यास है, सिमरन का अभ्यास है, ये एकाग्रता और अंतर्मुखता, ये हम लोग तत्व की अनुभूति के लिए, ये दो प्रकार की साधना है। अगर हम व्यास जी को सही प्रकार से समझे तो व्यास जी का आगमन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए और आसुरी भाव को समाप्त करने के लिए, इसलिए इनका नाम है ज्ञान कला अवतार। हम लोग दोनों से छुट्टी पाए हुए, मन हमारे प्रारंभ से ही मलिन है। कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो कोई लक्ष्मी के लिए, कोई किसी के लिए, इस ढंग से करते। कोरोना काल में भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो मुद्दा यही है कि ना से रोग आए सब पीड़ा और जो सुमरे। और जैसे कोई काम ही नहीं तो मैं मालूम भी नहीं कि हनुमान चालीसा का प्रारंभ तो यहाँ से हो रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान, आप तो ज्ञान और गुणों के ये तो लाइन में ध्यान ही नहीं, चेक तो करो हनुमान जी का ज्ञान क्या है। हनुमान जी को जब गुणों का सागर कहा है, वो क्या सद्गुण है? कल हमने आपको बताया कि डॉक्टर अगर आपको दवाई की पर्ची बना कर देता है तो पर्ची का पाठ करना है या पर्ची में लिखी दवाई का सेवन करना? हनुमान चालीसा में तो आपको दवाइयां बताई गई कि अगर तुम सिमरन करोगे हनुमान जी की बल और बुद्धि का तो तुम्हारे रोग जाएंगे। तुम बल बुद्धि के क्रम में सिमरन नहीं कर रहे हनुमान जी का, तुम तो इस लाइन का पाठ कर। और इतनी भयंकर बीमारी में एक दाव खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो कि दवाई दिखाएंगे, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए लक्ष्मण मूर्छा के समय में स्वयं हनुमान जी भी दवाई लेने गए थे, डायरेक्ट ठीक तो नहीं किया। जाम मंत्र का वैद्य सुखेन, सुखेन वैद्य को लाया गया, सुखेन वैद्य ने कहा संजीवनी चाहिए, मिलेगी भी द्रोणगिरी पर्वत पे, रात को तोड़ने भी नहीं चाहिए, चाहिए भी प्रातः का, कितनी शर्तें रखी। हनुमान जी तो वही खड़े थे, खुद जड़ी बूटी लेने गए, औषधियां लेने गए। आप तो औषधियां लेने गए और तुम्हें बताया जा रहा है जिस लाइन को पढ़ ले उसका रोग चले, तो कहीं तो बुद्धि में सुनने में हमारे विवेक की कमी मानी जाए। जब हम कहते हैं व्यास पूर्णिमा, मतलब
व्यास जी का अवतार, तो किसी कपड़े के बेस पर ऋषि मुनि न समझ लेना, किसी वेश के आधार पे आप सिर्फ ऋषि मुनि न समझ लेना। देखो साबुन की टुकड़ी जो है साबुन की टुकड़ी है, चाहे खद्दर के कपड़े में लपेटो तो, सिल्क के कपड़े में लपेटो तो, कागज में लपेट दो तो, पॉलिथिन में लपेटो तो, ये भूल मत गेरू रंग में साबुन की टुकड़ी को लपेट देंगे तो काजू कटली की बन के हो जाएंगे। ये तो ऊपर के वेश है, ऋषि मुनि की जब बात होती है वो अंदर का स्वभाव, अंदर काजू कटली है तो काजू कटली रहेगी, चाहे ऊपर से अखबारी कागज में लपेट। ये एक पहचान जरूर थी बाहर, हम वही मान के चले और साबुन को भी खा ले फिर तुम धोखे में रहोगे रहोगे। ऋषि किसी वेश का नाम नहीं, एक परिवेश है, एक चिंतन है, एक वातावरण है। मंदिर किसी एक प्रकार के नक्शे का नाम नहीं है, गुंबद हो मूर्ति हो तो मान लो मंदिर है ना, पवित्र वातावरण है, मर्यादित वातावरण है, मर्यादा नहीं है पवित्रता नहीं है तो भूल जाओ, पूजा पाठ घर में भी हो सकता, घर में अच्छी होती है, कम से कम चार जने हो, मंदिर में बैठ जाओ, कोई आ रहा कोई जा रहा कोई टल्ली बजाएगा रोको तो बुरा लगता है, आधे लोग सोचते हैं फिर तो घर में ना करो। परिवेश वातावरण, इन सारी बातों का नाम एक मंदिर रखा गया। उसी भाव से हम लोग व्यास भगवान का स्मरण कर रहे हैं। व्यास भगवान के चिंतन का स्मरण कर रहे हैं और यही उत्सव मनाने का फायदा है। हम लोग तो मानते हैं कि अगर सनातन धर्म के लोग अपने सारे त्योहारों को आध्यात्मिक दृष्टि से अगर समझ लें, इनको पता चल जाएगा वैदिक धर्म क्या है सनातन धर्म क्या है। अभी तो नहीं है, फलाने दिन गाजर चढ़ानी चाहिए, फलाने दिन मूली चढ़ानी चाहिए, ये गाजर मूली बैंगन में ही रह गए सर, अजीब सा वातावरण। जब व्यास जी आएंगे तो इनको ठीक करेंगे, तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, जो हाँ में हाँ मिला दे समझ लेना गुरु जी है ही नहीं। डॉक्टर को बता दो डॉक्टर मर्जी तुम्हारी नहीं चलाएगा दवाई, रोग के हिसाब से चले, जैसा रोग है जैसी समस्या है। तो आज के डेट में ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग धार्मिक क्रियाएं कर नहीं रहे, आपका उद्देश्य ठीक है, यज्ञ कर रहे हो लेकिन रजोगुणी रूप, भजन गीत चल रहे हैं लेकिन रजोगुणी वातावरण, इतना आप भजन कीर्तन में मन शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं देते, मन की एकाग्रता पे ध्यान नहीं देते जितना डेकोरेशन पे ध्यान दे। खाने पीने की कौन सी आइटमें बनानी है इस बात पे ध्यान दे, जबकि चाहिए मन कैसा होना चाहिए। वाणी में एक पंक्ति आती है, बोले तीर्थ में जाके खाली है ना देखो कितना अच्छा नजारा है फलाना है, बोले तीर्थ नामा जान तुद भाव, मैं तीर्थ में जाके चेक करूं कि मेरे से कोई ऐसा काम हो रहा है कि जो मैं परमात्मा को भा जाऊं, वहां भी जाके ऐसे ऐसे काम करना जो परमात्मा को मंजूरी नहीं। अगले कह रहे हैं निर्मल मंजन सोमय भाव, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, हम तो चूकते नहीं, वहां भी अगर लंबी लाइन लगी हुई है तो सोचते हैं कोई आ जाए मिल जाए उसको 100 रुपए पकड़ाओ और बैक डोर से दर्शन करो, दंभ कपट रिश्वत ये तो वहां भी सब चलाए जा रहे, स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए ऋषि चिंतन ये कह रहा है कि स्वभाव को बदलना है, मन को बदलना है। इसी भाव से हम लोग ये व्यास पूर्णिमा को मना रहे हैं, आप लोग भी प्रयास करो हम लोग भी प्रयास करें
कि ये उत्सव इसी दृष्टि से हम लोगों को लाभ पहुंचाए, परम लाभ पहुंचाए, ऐसा आप लोगों ने भाव बनाना है। मिल के सब लोग प्रार्थना करो हमारे साथ में, और फिर सब लोग मिलके आरती करेंगे। सच्चिदानंद भगवान सियावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान मेरे मन भोले भाले राम नाम गाओ रे, मेरे मन भोले भाले राम नाम गाओ रे। जन्म जन्म की सारी बिगड़ी बनाओ रे, जन्म जन्म की सारी बिगड़ी बनाओ रे। मेरे मन भोले भाले राम नाम गाओ रे, मेरे मन भोले राम नाम गाओ रे। जन्म जन्म की सारी बिगड़ी बनाओ रे, जन्म जन्म की सारी सारी पृथ्वी बनाओ रे।
ये कार्यक्रम चलेगा। सच्चिदानंद भगवान।